Right guys, so we start on with our next topic in financial management. ठीक है, इस topic का नाम देखो क्या है. इस topic का नाम है capital expenditure decision. Right, this chapter is divided into two parts. First part and second part. तो अभी हम लोग इसका first part start करेंगे. ठीक है, as I told you on the very first day कि कोई भी topic जानो के ना जानो, ये टॉपिक जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली. बिकॉज वेदर यू डू अ बिजनेस और मे बी यू डू अ जॉब और वॉट एवर यू डू, ठीक है, ये टॉपिक से रिलेटेड चीज आपको एक्चुअल लाइफ में हमेशा काम आएगी और इस सब्जेक्ट को आप लोग हमेशा प्रैक्टिकली अप्रिशिएट भी करोगे. ठीक है, सो यहां पे देखो व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न टुडे. वी आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू मेक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. राइट, सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से हम लोग सब समझते हैं राइट कि कोई इन्वेस्टमेंट करना है हमें. राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले सो इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. और एक बिजनेस फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कब करता है, या तो जब उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, सेकेंड जब उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो, या जो एग्जिस्टिंग उसके फिक्स्ड एसेट्स है राइट वो ऑब्सोलीट हो गए हैं या वो वर्न आउट हो गए हैं, तो उसको उनको रिप्लेस करके नए फिक्स्ड एसेट्स इंस्टॉल करने हो. सो दैट इज द एक्सपेंडिचर राइट ऑन फिक्स्ड एसेट दैट व्हाट वी आर लार्जली टॉकिंग अबाउट इन पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस. तो अभी इसमें डिसीजन क्या करना है राइट, बिकॉज द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हमने समझा कि एक बिजनेस या तो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, सेकेंड एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा. राइट, तो दो सिचुएशन की हमने बात करी कि या तो एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा फिक्स्ड एसेट के पीछे, या तो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको एक्सपेंशन करना है तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा. नाउ डिसीजन और द नेम ऑफ द टॉपिक इज कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस. ठीक है, सो देखो ये डिसीजन की जो बात आती है ना, हियर एवरी बिजनेस वुड हैव ऑल्टरनेट एवेन्यूज टू इन्वेस्ट. राइट, आज जैसे कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टेलीकॉम सेक्टर में एंटर करके उन्होंने जियो ब्रांड से टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू किया. डू यू बिलीव के रिलायंस के पास सफिशियंट रिसोर्सेज मतलब कैश या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है टू डू एनी बिजनेस इट वॉन्ट्स टू डू? Yes, it's a big business group, right? तो उनके पास resources की cash की कोई problem नहीं है. तो क्या दुनिया में एक ही business था telecom का कि उन्होंने वो business choose किया? वो लोग aviation में भी जा सकते थे, हवाई जहाज भी उड़ा सकते थे, right? वो लोग let's say they are into majority of the business, वो लोग schools open कर सकते थे, वो लोग hospitals का chain open कर सकते थे, वो लोग Ola के जैसे Uber के जैसे वो लोग एक transportation fleet भी start कर सकते थे, but उन्होंने telecom का business क्यों choose किया? Right, that is the question. So देखो यहाँ पे when we talk about Reliance, उनके पास different avenues थे अपने resources को लगाने के लिए. तो जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप क्या सोचते हो कि उसको यूज करके हम कुछ रिटर्न उसके ऊपर जनरेट करें, क्योंकि खाली पैसा पड़ा रहेगा कोई काम का नहीं है. जैसे ही आप सोचोगे, सी आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, लेट्स से इफ आई हैव 10 लाख रुपीज इन माय बैंक अकाउंट टुडे, दिमाग में मैं सोचूंगा कि यार ये पड़े पड़े तो पैसा कुछ होगा नहीं, इसको कहीं पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. जैसे ही सोचूंगा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब ख्याल आएगा फिक्स डिपॉजिट करूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करूं, कोई प्रॉपर्टी खरीदू, कोई गाड़ी खरीद के रेंटल पे दे दू. सो एज एन इंडिविजुअल इफ आई एम गेटिंग सो मच ऑफ चॉइसेस, थिंक अबाउट द बिजनेस. राइट, जब आप एक बिजनेस में वेंचर आउट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास कितने सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे. सो हाउ डू यू मेक अ डिसीजन?
राइट बिकॉज जो 10 लाख रुपए की बात करी फ्रॉम माय इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच आई एम गोइंग टू इनकर फॉर अज्यूम दैट राइट सो बिजनेस के पास भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे राइट जिसमें उसको इन्वेस्टमेंट करना है और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव तो छोड़ दो अगर किसी बिजनेस के पास एक ही ऑप्शन है कि भाई यही एक बिजनेस दुनिया में बचा है टेलीकॉम का इसी में पैसे लगा के हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते तो अगर ये एक ही बिजनेस है तो क्या इसमें आंख बंद करके पैसे लगा दे नहीं इसमें आंख बंद करके पैसे कैसे लगाएंगे वाई कैन अंडरस्टैंड आप जब कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लोगे राइट मतलब बहुत टाइम है दुनिया में हमारे पास कुछ काम नहीं है तो चलो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करते ऐसा तो है नहीं ना राइट हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करेंगे एक बिजनेस कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों करेगा टू अर्न रिटर्न्स टू जनरेट रेवेन्यूज राइट और आप लोगों ने इसके पहले एक चैप्टर किया था जिसके लिंक में मैं ये चैप्टर करा रहा हूं आप लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अगर बिजनेस आप चालू किए हो तो आपने कहीं से तो कैपिटल रेस किया है आइदर इक्विटी शेयर्स से या आपने रिजर्व्स को यूज कर रहे हो या आपने बोरोइंग्स की है क्या कोई कॉस्ट एसोसिएटेड है इसके साथ यस तो अगर समझो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12% फॉर एग्जांपल मतलब जो भी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता है ना ये कॉन्सेप्ट मेरे सारे सोर्सेज का जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है उसको क्या बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल समझो मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% लेट्स से फॉर एग्जांपल तो मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा मेरा ये तो एक्सपेक्टेशन होगा ना कि एटलीस्ट 12% तो पहले रिकवर हो अगर 10% मेरे को वो बिजनेस से रिटर्न मिल रहा है तो क्या वैसा बिजनेस करके कोई सेंस है नहीं क्यों नहीं बिकॉज 12% समझ लो 100 रुपए का हमने कैपिटल लिया तो उसमें अपने इन्वेस्टर्स को हमें लैंडर्स को कितना देना है 12 रुपया और हमारा बिजनेस कितना जनरेट करके देगा 10 रुपया तो 2 रुपया तो घर से जा रहा है ना ऐसा बिजनेस करेंगे क्या नहीं राइट सो वी नीड टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन फर्स्ट फैक्टर क्या व्हाट इज आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम जो फंड्स यूज करेंगे उसका कितना कॉस्ट है और हमारा ये एक्सपेक्टेशन होगा हमेशा कि जो फंड्स हम जिस रेट पे ले रहे हैं उससे ज्यादा हम रिटर्न अर्न करें तब वो बिजनेस करके कोई फायदा है अदरवाइज वो बिजनेस करके फायदा नहीं है जैसे एक स्ट्रेट एग्जांपल आई एम यूजिंग सेवरल एग्जांपल्स टू मेक यू अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जैसे बैंक सबसे इजी एग्जांपल है बैंक क्या करती है बैंक अकाउंट होल्डर्स से पैसा लेती है सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करती है लोगों का फिक्स डिपॉजिट्स लेती है तो सेविंग्स अकाउंट पे मे बी 4% देती है फिक्स डिपॉजिट पे मे बी लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट हो तो 8% 8.5% तक दे देती है तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बैंक बिकॉज जो डिपॉजिट्स करते हैं दैट इज द कैपिटल दैट इज द सोर्स ऑफ फंड अब वो बैंक आपके जो पैसे पड़े हुए हैं आपके सेविंग्स अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट्स में उसको बैंक क्या करती है लोगों को लोन पे देती है तो क्या अगर बैंक ने समझ लो इफेक्टिव 6% बैंक का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो क्या बैंक 6% से नीचे इंटरेस्ट रेट पे किसी को लोन दे सकेगी नहीं कितने पे देगी 6% से ऊपर तभी तो उनका पॉजिटिविटी या प्रॉफिट क्रिएट होगा तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में हम लोग दो चीज सीखेंगे एक जब हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है राइट तो हमें क्या कंपेयर करना है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे क्या हम ज्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हैं कि कम रिटर्न अर्न कर रहे हैं अगर ज्यादा रिटर्न अर्न कर रहे हैं तब उस प्रोजेक्ट को करके फायदा है अदरवाइज उस प्रोजेक्ट को करके फायदा नहीं है ये बहुत सिंपल सिनेरियो हो गया बट प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी एक प्रपोजल अवेलेबल नहीं होता वी आर ऑलवेज फेस्ड विथ चॉइस तो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट अवेलेबल है मतलब रिलायंस ने जब उनके रिसोर्सेज इतने सारे पड़े हुए थे तो उनके पास 3 ऑल्टरनेटिव आए क्या एक टेलीकॉम बिजनेस में इन्वेस्ट करें
दूसरा एविएशन बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तीसरा कोल माइंस के लाइसेंस खरीद के कोल माइंस को ऑपरेट करे। अब तीन में से इनको एक अल्टरनेटिव चूज करना है। अब मान लो उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तीनों ही प्रोजेक्ट में ज्यादा रिटर्न आ रहा है, तो तीनों ही प्रोजेक्ट वायबल है। तो एक ऑप्शन ये रहेगा कि भाई किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आ रहा है उसको कर लो, राइट। बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस डिसीजन को डिराइव करते हैं। मतलब कोई भी बिजनेस में जेस्टेशन पीरियड होता है, किसी पीरियड को प्रॉफिटेबल होने में 3 साल लगेगा, किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में 5 साल लगेगा, किसी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने में हो सकता है 8 साल लगेगा। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज पे बैक पीरियड। मतलब आप जितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने समय में आपको वापस मिल जाएगा। तो अभी इन तीनों में से जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड सबसे कम होगा, मे बी उस प्रपोजल को हम सिलेक्ट करेंगे। कि समझ लो हम अगर 1000 करोड़ किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, एक बिजनेस में 3 साल में 1000 करोड़ रिकवर हो जाएगा, दूसरे में 5 साल में रिकवर हो जाएगा, तीसरे में 8 साल में रिकवर होगा, तो आप कौन सा यूज करोगे? 3 साल। बट मे बी जो 5 साल वाला प्रोजेक्ट है वो आपको ज्यादा मार्जिन दे रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इट मे बिकम अ लिटिल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे जब पहला सिचुएशन हमने डिस्कस कर लिया, एक प्रपोजल है तो एक प्रपोजल को इवैल्यूएट करो। समझ लो 2-3 प्रपोजल हमारे पास आके पड़े हुए हैं जहां पे हमें इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। तब हम लोग बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारे टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो व्हेनेवर टू सम इट अप, अभी जितना हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्चुअली, टू सम इट अप, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच अ बिजनेस विल मेक इन फिक्स्ड एसेट्स, आइदर फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस और फॉर एक्सपेंडिंग अ बिजनेस। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझे, डिसीजन। डिसीजन मतलब क्या? कि वो एक्सपेंडिचर करना है कि नहीं करना है, राइट। डिसीजन मतलब क्या? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कि नहीं करना है। डिसीजन का सेकेंड मतलब, अगर 3 ऑल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल है तो कौन से ऑल्टरनेटिव में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, राइट। दैट इज द डिसीजन दैट वी नीड टू मेक। एब्सोल्युटली क्लियर? तो आप लोगों को ये फ्यूचर में काम डेफिनेटली आएगा, राइट। आइदर इफ यू डूइंग अ बिजनेस तो कौन सा बिजनेस शुरू करे, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो यू विल हैव टू इवैल्यूएट के विच बिजनेस विल गिव द बेस्ट रिटर्न इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप जॉब भी करते हो तो आपके पास सरप्लस फंड पड़े हुए हैं तो उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तब उस सिचुएशन में भी आपको ये डिसीजन लेना है कि आप किस एवेन्यू में उसको इन्वेस्ट करोगे। सो व्हेनेवर, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, राइट। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, राइट। एक प्रोजेक्ट, एक बिजनेस प्रपोजल को हम इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट करना मतलब चेक करना, जांचना, स्क्रूटिनाइज करना, राइट। सो यहां पे हम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक्स समझेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें जाननी चाहिए इन रिलेशन टू कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। अभी आप लोग लिखोगे, मैं तुम लोगों को डिक्टेट करूंगा, ठीक है। लेट अस गो टू सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो डिस्कस करते करते जो हमने अभी एग्जांपल्स लिए इतने उसके साथ हम उसको कोराबरेट या लिंक करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट important terms which we need to know while we are doing a project evaluation, right? Project evaluation मतलब project में हमें जो capital expenditure करना है उसका decision का evaluation, right? First such term is इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। कोई भी बिजनेस आप करोगे तो एक इनिशियल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
plus investment in working capital less sale value of old asset. Absolutely clear about it. हमारा जो initial investment मतलब जो capital हमें business में invest करना है, जो पैसा हमें business में invest करना है, ये जो initial capital होगा वो क्या होगा? Cost of the asset which we need to purchase plus कोई भी business करने के लिए working capital requirement होगा वो less जो asset हमने purchase किया है यूजफुल लाइफ के बाद उसको जब हम बेचेंगे तब उससे कितना पैसा रियलाइज होगा. दिस सम ऑफ दिस राइट इज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एब्सोल्युटली क्लियर. देन नेक्स्ट टर्म कैश फ्लो आफ्टर टैक्स राइट, जिसको हम शॉर्ट में ही बोलेंगे अब से राइट, विच इज सी फैट राइट, विच इज सी फैट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ये देखो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या होता है. दिस कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज पीएटी. व्हाट डू यू मीन बाय पीएटी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. PAT plus depreciation राइट. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. देखो हमें क्या चाहिए? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. तो हमने चालू किससे किया? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो हम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके हैं. बट डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस. डेप्रिसिएशन में क्या कोई कैश का आउटफ्लो होता है? अमोर्टाइजेशन इज इन रिलेशन टू इनटेंजिबल एसेट्स, इट इज सेम एज डेप्रिसिएशन. क्या उसमें भी कोई कैश का आउटफ्लो होता है? नहीं. तो इसको हम क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे सो दैट वी गेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. बिकॉज ये डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन में कोई भी कैश का आउटफ्लो नहीं है, फिर भी हम इसको पीएल में डेबिट करते हैं और इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है. एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस राइट. सो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मतलब ये क्या है? हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन मतलब ये क्या है? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसको हम बोलेंगे क्या? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. बट एक्चुअल में ये है क्या? कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो देखो दो चीज हमने समझी, अभी थर्ड टर्म समझते हैं. टर्मिनल इनफ्लो. टर्मिनल मतलब एंड. टर्मिनल का मतलब क्या होता है? एंड. इनफ्लो का मतलब कैश इनफ्लो. तो इनफ्लो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ. फॉर एग्जांपल एसेट को बेचेंगे, जो एसेट को हम प्रोजेक्ट में यूज किए हैं उसको हम बेचेंगे, तो उससे जो इनफ्लो होगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल इनफ्लो. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट लगाया है,
projector lagaya hai. This is a capital expenditure decision for me, right? So initial day one mein maine ek samajh lo 35,000-40,000 rupaye ka investment kiya. Maine socha ki ye projector ki life 3 saal hai. 3 saal ke baad jab main isko bechunga tab mere ko 5,000 rupaye milenge. To ye projector ka salvage value kitna ho gaya? 5,000. Isko kya bolenge? Terminal inflow. दो तरह के हो सकते हैं, एक सैलवेज वैल्यू और फिक्स एसेट. जो पैसा हम वर्किंग कैपिटल में लगाए हुए हैं, जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा वो पैसा भी रिलीज हो जाएगा. दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज टर्मिनल इनफ्लो. एब्सोल्युटली क्लियर? तो तीन टर्म अभी तक हमने डिस्कस की. क्या? एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमें लगाना है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. कैश फ्लो आफ्टर टैक्स क्या है? जो पैसा उस प्रोजेक्ट से जनरेट होगा. राइट? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मतलब क्या? उस प्रोजेक्ट से जो पैसा जनरेट होगा. टर्मिनल इनफ्लो, जब प्रोजेक्ट का लाइफ एंड होगा तब एसेट से कितना रिकवरी होगा बेच के, और वर्किंग कैपिटल जो रियलाइज होगा वो. देन प्रोजेक्ट लाइफ. राइट? प्रोजेक्ट लाइफ मतलब क्या? द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्ट जनरेट्स पॉजिटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. बिकॉज देखो, कोई बिजनेस को तभी तक कंटिन्यू करेंगे ना जब तक उस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है. अगर बिजनेस लॉस में जाएगा तो उसको कंटिन्यू कर सकेंगे क्या ज्यादा टाइम तक? नहीं. फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर एयरलाइंस, राइट? उसका पॉजिटिव कैश आफ्टर टैक्स नहीं था. जितना वो लोग खर्चा करते थे उससे ज्यादा, सॉरी, जितना वो लोग खर्चा करते थे उससे कम उनको रेवेन्यू होता था. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कम्युनिकेशन, उन्होंने टेलीकॉम बिजनेस बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि जितना खर्चा होता था उससे कम इनफ्लो होता था. तो प्रोजेक्ट लाइफ मतलब के टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्ट जनरेट्स अ पॉजिटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. आई क्लियर अबाउट इट? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ पॉजिटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. एब्सोल्युटली क्लियर? देन द बैकबोन ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था. क्या कॉन्सेप्ट है ये? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या?
ke money that is worth today, right, after a period of time the value is not same, because there is an opportunity cost associated with money. मतलब बहुत हाइपर हो गया. सिंपल बात है कि अगर आज 10 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ है, राइट, तो एक साल के बाद भी वो 10 रुपया नहीं होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि मैं पड़े तो उसको रहने नहीं दूंगा, मैं उसको या तो फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा या कहीं पे इन्वेस्ट कर दूंगा, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा. एब्सोल्युटली क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को हमने किस तरह से डिस्कस किया था, समझ लो कि मेरे को इनको 50,000 रुपए देने हैं आज. टुडे आई नीड टू पे हर 50,000 रुपीज. आई टेल हर, मैडम एक काम करो ना, आज मतलब 2 साल के बाद मैं आपको 50,000 रुपए दे दूंगा, राइट? विल यू फील कि आपको कुछ लॉस हो रहा है इसमें, अदर देन दी साइकोलॉजिकल फैक्टर के भाई आज मिलना था, अब आज नहीं मिलेगा यार, अभी 2 साल के बाद मिलेगा, बहुत गलत हो जाएगा, राइट? वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, बिकॉज चाइल्डहुड से वेन वी वॉन्ट समथिंग, राइट, मतलब आज अगर अपने पेरेंट्स नहीं देते हैं, बोलते बेटा कल शाम को दूंगा, तभी भी हमारे लिए द वर्ल्ड कम्स टू एन एंड, राइट? तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर छोड़ के आपको क्या लग रहा है, आपको कोई लॉस हो रहा है? क्या लॉस हो रहा है? राइट, शी इज सेइंग इफ यू पे मी टूडे आई विल इन्वेस्ट इट समवेयर. मैं या तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लूंगी, या तो मैं कोई म्यूचुअल फंड खरीद लूंगी, या तो मैं फिक्स डिपॉजिट कर लूंगी. तो 2 साल के बाद ये जो आज मेरे 50,000 रुपए है, हो सकता है वो 60,000 रुपए बन जाएंगे. तो शी फील्स दैट देयर विल बी अ कमर्शियल लॉस ऑफ 10,000 रुपीज टू हर. दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसका उल्टा भी सोच सकते हैं, मेरे को इनको 2 साल के बाद 50,000 रुपए देने थे, राइट? आई नीड टू पे हर आफ्टर 2 ईयर्स. ये मेरे पास आ जाती है और बोलती सर आज ही दे दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है आपको, 50,000 रुपए तो दे दीजिए, राइट? देन विल आई गिव हर 50,000 रुपीज? नो. मैं उसको बोलूंगा देखो, आज मैं है ना तुमको 42,000 रुपीज दे रहा हूं, इसको फिक्स डिपॉजिट में लगा देना, 2 साल के बाद ये 50,000 रुपए बन जाएंगे. बिकॉज अगर मैं भी आपको 2 साल के बाद देने वाला था ना, तो मैं आज ही 42 का एफडी करने वाला था, राइट? मैं आज ही 42,000 का एफडी करने वाला था, और 2 साल में ऑटोमेटिकली वो पैसा 50,000 रुपए बन जाना था, तो मैं दूंगा तो 42,000 आपको, राइट? सो दिस इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट? सो ये जो देखो कॉन्सेप्ट हमने क्या डिस्कस किया, ये जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो समझो. 50,000 इज द फ्यूचर वैल्यू, राइट? 50,000 इज द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, एंड 42,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? इट्स अ वैल्यू एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट, एंड इट इज नॉर्मली आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? इट इज नॉर्मली आवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बिकॉज मेरे लिए इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ, 42,000 रुपीज आई विल होल्ड टूडे, आई विल इन्वेस्ट इट एट सर्टन रेट, एंड शी विल गेट 50,000 आफ्टर 2 ईयर्स. सो दिस रेट इज नोन एज द डिस्काउंटिंग रेट, राइट? सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देखो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है? इट हैज वन द प्रेजेंट वैल्यू, अनदर द फ्यूचर वैल्यू, राइट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 2 कंपोनेंट होते हैं. ये 2 कंपोनेंट क्या होते हैं? एक जिसको हम लोग बोलते हैं पीवी, राइट? दूसरा जिसको हम बोलते हैं एफवी, राइट? पीवी का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू, मतलब टुडे व्हाट इज द वर्थ ऑफ दैट मनी. फ्यूचर वैल्यू मतलब क्या? मतलब कुछ इंटरेस्ट रेट से अगर हम उसको कंपाउंड करते हैं तो फ्यूचर में उसका कितना वैल्यू हो जाएगा, राइट? सो इसमें एक सिंपल लिख लो आप लोग, जस्ट राइट प्रेजेंट वैल्यू इज कंप्यूटेड,
right? Because हम ये work करेंगे इसलिए present value is computed by discounting. Present value is computed by discounting the future stream of cash flows. Present value is computed by discounting. इस word को underline कर लेना. By discounting a stream of a future stream of cash inflows, a future stream of cash inflows at a certain discount rate, right? At a certain discount rate. ठीक है? Next is discounting rate. इसमें लिखते हैं हम लोग कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस. कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस. देखो हमने क्या बोला, इट इज अ कट ऑफ रेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. सो व्हेन वी से दैट इट इज अ कट ऑफ रेट, हमने एक एग्जांपल किया था याद है थोड़ी देर पहले, कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करके एटलीस्ट कितना रिटर्न चाहेंगे, 12 से नीचे में काम करेंगे क्या, नहीं. सो ये 12% क्या है हमारा कट ऑफ रेट. सो इन अदर वर्ड डिस्काउंटिंग रेट इज आवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके नीचे हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो राइट दिस ए प्रोजेक्ट should be accepted only if its returns are more than this cut off rate, right? A project should be accepted only if its returns are more than this cut off rate. ठीक है? Normally it is our WACC. Normally it is our WACC. What is WACC? Weighted Average Cost of Capital. सबको compute करना आता है ना weighted average cost of capital, right? यहाँ पे compute नहीं करना पड़ेगा, questions में आपको दिया रहेगा discounting rate. ठीक है? So these are the terms which we needed to know, right? As a background to start of this chapter. So, देखो ये हम लोगों ने बेसिक टर्म डिस्कस कर ली, राइट? कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, उस प्रोजेक्ट से हमें कितना कैश इनफ्लो जनरेट होगा ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट एंड होगा तब टर्मिनल इनफ्लोज हमें कितने होंगे,
प्रोजेक्ट ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट लाइफ मतलब वो पीरियड जहां पे हमें पॉजिटिव कैश इनफ्लो जनरेट होंगे, दैट विल बी आवर प्रोजेक्ट लाइफ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब कि फ्यूचर में जो हमें कैश इनफ्लोज होने वाला है राइट, उसका आज के दिन में कितना वैल्यू है। थर्ड और द लास्ट थिंग विच वी डिस्कस्ड वॉज द डिस्काउंटिंग रेट, मतलब ये एक ऐसा कट ऑफ रेट है जिससे नीचे हम प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट इतना या इससे ज्यादा हमें रिटर्न मिलना चाहिए तभी हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अभी देखो मैंने आपको बोला ना कि एक प्रोजेक्ट को जब हम इवैल्यूएट करेंगे राइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, बट देयर कैन बी लॉट ऑफ टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड टू डू एन इवैल्यूएशन राइट। बहुत सारी टेक्निक्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं टू इवैल्यूएट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। तो अभी हम लोग उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हेडर बनाओ, टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। Techniques for project evaluation, right? So there are several techniques which can be used for project evaluation. अभी हम लोग क्या करेंगे? Approximately there are 6 to 7 techniques, right? और हर एक technique को compute करने का एक अलग formula या एक अलग method है। तो अभी हम क्या करेंगे? एक-एक करके सारी techniques लिखेंगे। उसका क्या formula है वो लिखेंगे और उसका background भी समझेंगे। बिकॉज देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, दूसरा इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है कि इन इस पर्टिकुलर टेक्निक को आप एक्सप्लेन करो, इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बताओ, या अगर एक बड़ा क्वेश्चन देना होगा तो डिस्कस वेरियस प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक्स, तो आपको ये सारी टेक्निक्स वहां पे लिखनी पड़ेगी। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, प्रैक्टिकल भी आएगा थ्योरेटिकल भी आएगा। इसीलिए व्हाट आई एम डूइंग कि जो जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं ना उसके साथ उसका थ्योरी भी डिस्कस कर ले रहा हूं। तो एक बार कॉन्सेप्ट देखो, लर्न तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दैट, बट अगर सुना हुआ होगा तो लर्न भी अच्छे से हो जाएगा एंड देन एग्जाम में अपने आप लिख भी सकोगे उस चीज को, ठीक है। सो देखो फर्स्ट टेक्निक विच वी विल डिस्कस इज सिंपल पे बैक पीरियड। सिंपल पे बैक पीरियड, देखो एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूं कि ये सिंपल पे बैक पीरियड होता क्या है, ठीक है। देखो अभी मैंने ये प्रैक्टिकली यूज किया था किसी बिजनेस के लिए। पे बैक मतलब क्या? वापस मिलना। पे बैक मतलब व्हेन यू विल गेट इट बैक। सो देखो सिंपल पे बैक पीरियड का मैं एक रैशनल छोटा सा बताता हूं, ठीक है। मेरे को किसी ने बोला कि आपको एक बिजनेस में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है? 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं सोचने लगा भाई ये 10 लाख रुपया कहां से आएगा, कैसे आएगा, कितने पीरियड के लिए कौन मेरे को लोन देगा एटसेट्रा। तो इसके बाद मैंने उनको पूछा कि भाई ठीक है 10 लाख का तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मेरे को रिटर्न्स क्या मिलेगा? देखो एक बिजनेस हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस पे होता है, एक लंबे समय तक उसमें हमें रिटर्न मिलते रहता है राइट। बट मेरे पास ये 10 लाख रुपए थे नहीं, मेरे को कहीं से लेकर किसी से लोन में लेकर ये इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने थे। तो फिर मैंने सेकेंड चीज पूछा कि मेरे को कैश फ्लो कितना जनरेट होगा इस बिजनेस से, बिकॉज कोई बिजनेस करने का कारण क्या होता है कि रिटर्न मिले। तो उन्होंने मेरे को बोला ऑन एन एवरेज आपको 2 लाख रुपया पर ईयर इससे कैश फ्लो जनरेट
होगा राइट कितना जनरेट होगा 2 लाख रुपया आपको एवरी ईयर इससे कैश फ्लो जनरेट होगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई अभी मेरे को लोन लेनी है ना तो लेंडर के साथ तो निगोशिएट करना पड़ेगा कि कितने साल के लिए मैं लोन लूंगा राइट। सो मैंने सिंपल इवैल्यूएट किया कि भाई 10 लाख रुपए लगाने हैं हर साल मेरे को 2 लाख रुपए मिलेंगे तो 5 साल के अंदर मेरे 10 लाख रुपए रिकवर हो जाएंगे। दिस इज नथिंग बट अ सिंपल पे बैक पीरियड कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे को कितने समय के अंदर रिकवर हो जाएगा। दिस इज अ पे बैक पीरियड। सो डू यू रिक्वायर एनी फॉर्मूला फॉर दिस राइट। एक नॉर्मल सेंस से सोच ही सकते हो ना कितना पैसा लगाना है और कितने पीरियड के अंदर ये पैसा मेरे को मिल जाएगा। दैट इज माई पे बैक पीरियड। तो अभी इसको एज फॉर्मूला के टर्म में मैं बोलू तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखा दूंगा डोंट वरी। हाँ अगर मैं बोलू तो ये क्या है ठीक है और ये क्या है कैश फ्लो तो सीफाइटी बोलेंगे ना राइट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स पर ईयर या बहुत लोग पर एनम भी बोलते हैं सिंपल। सो दिस इज आवर सिंपल पे बैक पीरियड इसलिए इसका नाम भी इन्होंने दे दिया सिंपल पे बैक पीरियड। क्लियर है ना ये एग्जाम्पल। तो इस सिंपल पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिखो राइट। पे बैक पीरियड विल बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सीपैट पर एनम। ये फॉर्मूला कब हमें काम आएगा, ये फॉर्मूला हमें तब काम आएगा व्हेन आवर सीपैट इज यूनिफॉर्म पर ईयर। मतलब 2 लाख रुपया ही प्रति वर्ष जनरेट हो रहा है तभी यह फॉर्मूला काम आएगा। पर प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है ना किसी साल में 2 लाख मिले, किसी साल में 3 लाख मिले, किसी साल में 2.5 लाख मिले राइट। सो इन दैट केस देयर इज अ डिफरेंशियल सीपैट राइट, आवर सीपैट इज चेंजिंग। तब हम किस तरह से पे बैक पीरियड निकालेंगे राइट। सो सेकेंड सिनेरियो ये केस ए हो गया हमारा ठीक है यूनिफॉर्म। अभी सेकेंड भी मैं तुम लोगों को ऐसे सिंपली बता देता हूं फिर फॉर्मूला लिखा दूंगा सो दैट यू कैन इवैल्यूएट। मेरे को इन्वेस्टमेंट कितनी करनी थी 10 लाख। मैंने उनको पूछा कि भाई देखो रिटर्न कितना मिलेगा वो तो बता दो। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बताया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल ठीक है। मैं डरने लगा कि यार ये कितने साल में मेरे को। सो उन्होंने बोला सर पहले साल में 1.5 लाख मिलेगा, दूसरे साल में 2 लाख मिलेगा, तीसरे साल में 1.8 लाख मिलेगा, फोर्थ ईयर में 3 लाख मिलेगा, फिफ्थ ईयर में 3.5 लाख मिलेगा, फोर्थ ईयर में 4 लाख मिलेगा। सो एवरी ईयर माय CFAT is different। वहां पे तो बड़े आसानी से हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय कैश फ्लो करके पे बैक पीरियड निकाल दिए। इस सिचुएशन में क्या ये हम यूज कर सकेंगे, नहीं। सो देखो बुद्धि तो लगाएंगे ही ना, मैं क्या बोलूंगा अच्छा 1 साल में 1.5 लाख रुपया रिकवर हुआ, 2 साल के अंत में कितना रिकवर हुआ 3.5। अभी मैथ्स वाले लोग प्लीज ऐड करते रहो। थर्ड ईयर के एंड में कितनी रिकवरी हो गई, हाँ 5.3 की रिकवरी हो गई।
फोर्थ ईयर में कितनी रिकवरी हुई 8.3, पांच साल के बाद कितनी रिकवर हो गई 11.8। तो देखो क्वेश्चन हो गया ना भाई, मेरे को तो 10 लाख ही रिकवर करना था ना इनिशियल, बट फिफ्थ ईयर के एंड में कितना रिकवर हो गया 11.8। मतलब माय पे बैक पीरियड समवेयर बिटवीन 4 and 5 years, मतलब 4 साल में रिकवरी नहीं हो रही है, 4 साल के बाद रिकवरी हो रही है, बट 5 साल के एंड तक भी नहीं रुकना पड़ रहा है, 5 साल के एंड के पहले ही ये रिकवरी हो जा रही है। एब्सोल्युटली क्लियर? सो आवर पे बैक पीरियड इज समवेयर इन बिटवीन 4 years प्लस सम मंथ्स। अभी सम मंथ्स नहीं पता है मेरे को, वो फॉर्मूला दिखाऊंगा उससे पता चल जाएगा, इजी है, बट मेरे को ये तो पता चल गया ना कि 4 साल प्लस सर्टेन मंथ्स माय कैपिटल विल बी रिकवर्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला और दिस इज द टेक्निक विच यू नीड टू यूज व्हेन देयर आर डिफरेंशियल सी फैट। क्लियर अगर अभी समझ में आया? सो अभी इसको हटाते हैं, हम लिखते हैं इसके बारे में। सो पॉइंट बी में आप लोग लिखो इन केस ऑफ डिफरेंशियल सी फैट, इन केस ऑफ डिफरेंशियल सी फैट स्टेप वन, कंप्यूट क्यूमुलेटिव सी फैट एट द End of every year. First step kya? Compute cumulative CFAT at the end of every year. Har saal ke ant ka aap CFAT nikalo. Cumulative. Jo humne kiya na ek saal ke end pe, second ka, third ka, fourth ka, wo cumulative karna hai. Determine the year in which the cumulative CFAT is greater than the initial investment. Right? तो सिंपल है ना, जैसे हमने किया था 4 साल के बाद जो फिफ्थ ईयर है, राइट, फिफ्थ ईयर के एंड तक इट वॉज ग्रेटर, तो हमने क्या बोला दैट आवर पे बैक पीरियड इज बिटवीन 4 and 5 years, तो इट इज 4 years प्लस सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स, राइट। देन स्टेप थ्री,
देखो हमने क्या लिखा है, year before which cumulative CFAT is greater than initial investment. Year before which cumulative CFAT is greater than initial investment. जो हमने एग्जाम्पल अभी लिया था उसमें फोर्थ ईयर में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मीट नहीं हुआ था, फिफ्थ ईयर में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा क्यूमुलेटिव सीफैट था, तो हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? फोर्थ ईयर, राइट? कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? फोर्थ ईयर, बिकॉज इट इज फोर्थ ईयर प्लस सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स प्लस. देखो मेरे को क्या करना है, ठीक है? इट्स इज सॉर्ट ऑफ एन इंटरपोलेशन जिसके थ्रू हम ये मंथ्स निकालेंगे, ठीक है? प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सीफैट ऑफ द सीफैट में क्यूमुलेटिव सीफैट, राइट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव सीफैट ऑफ द ईयर बिफोर द क्यूमुलेटिव सीफैट, राइट? सी सीफैट the cumulative CFAT is greater than the initial investment. अब ये लिख लो, मैं फॉर्मूला से लिंक करा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? इट मे लुक अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ बट इट इज वेरी इजी, ठीक है? डिवाइडेड बाय CFAT ऑफ the year when CFAT is greater than initial investment plus CFAT of the year before CFAT is greater than initial investment. ठीक है, वापस ये फॉर्मूला रीड करके बता रहा हूं, अभी एक एग्जाम्पल यहीं पे करवाऊंगा सो दैट ये फॉर्मूला सेट हो जाए, ठीक है? हमें क्या करना है, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. किस तरह से पे बैक कैलकुलेट करेंगे? Year before which cumulative CFAT is greater than the initial investment plus initial investment minus cumulative CFAT of the year before cumulative CFAT is greater than initial investment divided by cumulative CFAT of the year when my cumulative CFAT is greater than initial investment plus cumulative CFAT of the year before when my cumulative CFAT is greater than the initial investment. ठीक है, a little complicated when we are writing it. अभी एक example के साथ substantiate कर दूंगा, समझ में आ जाएगा. एक चीज पहले बता देता हूं, ये दोनों same है,
एक कॉम्प्लिकेशन गायब, ये दोनों सेम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे को पता होगा, अभी ये एक चीज समझना है। आई क्लियर अबाउट दिस? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दिस केस आर सेम, राइट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टली दिया रहेगा, राइट? अभी इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बट देखो इसमें डिसीजन क्या हुआ, यहां पे दे माइट गिव यू अ बेंचमार्क पीरियड कि इतने पीरियड से कम अगर पे बैक पीरियड हो तो ही प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना। तो अगर हमारा पे बैक पीरियड इस बेंचमार्क से कम है तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर उस बेंचमार्क से ज्यादा है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ये एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है? सेम एग्जाम्पल लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ लो कितना हमने लिया, 10 लाख, ठीक है? पे बैक पीरियड इन ईयर्स अगर हम करें सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सी फैट, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, ठीक है? ये एग्जाम्पल हमें लेंगे कि फर्स्ट ईयर में 2 लाख रुपए का सीपैक, सेकेंड ईयर में 2.5, थर्ड ईयर में 3, फोर्थ ईयर में 3.5, फोर्थ ईयर में 4 और सिक्स्थ ईयर में 4.5 इज द कैश फ्लो, राइट? आफ्टर टैक्स। सो हम यहां पे सी सी फैट निकालते हैं, दैट इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फर्स्ट ईयर का कितना है 2, सेकेंड ईयर का कितना हो गया 4.5 विच इज 2 प्लस 2.5, थर्ड ईयर का कितना होगा 7.5 विच इज 4.5 प्लस 3, फोर्थ ईयर का कितना होगा 11, फिफ्थ ईयर का 15, 19.5। इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्यूमुलेटिव सी फैट में क्या कर रहे हैं, हम खाली ऐड करते जा रहे हैं, राइट? पिछले से जो करंट ईयर का है उसको ऐड कर रहे हैं, पहले 2 फिर 2 प्लस 2.5 देन 4.5 प्लस 3 देन 7.5 प्लस 3.5, वैसे हम खाली ऐड कर रहे हैं। अभी मेरे को बताओ किस समय हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कैश फ्लो आ गया, राइट? किस समय हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कैश फ्लो आ गया, फोर्थ ईयर में हमारा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज ग्रेटर देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट? वापिस बोल रहा हूं, फोर्थ ईयर इज द ईयर इन विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अग्रीड? अग्रीड? एनी डाउट? नो डाउट्स? फोर्थ ईयर इज द ईयर इन विच माई सीसी फैट इज ग्रेटर देन माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इतना दिमाग में सेट हुआ ना, फोर्थ ईयर इज द ईयर इन विच सीसी फैट इज ग्रेटर देन आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो देखो अभी फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है? ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं किया हमने, खाली ऐड ही किया है बच्चों की तरह। अभी फॉर्मूला पे चलते हैं, ठीक है? फॉर्मूला में देखो क्या बोला, ईयर बिफोर विच, ध्यान से सुनो, ईयर बिफोर विच क्यूमुलेटिव सी फैट इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो साल, राइट? वो साल जो के which comes before, that year which comes before the year in which my CC fat is greater than my initial investment. तो हमारे example में हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? Third year. कौन से साल की बात कर रहे हैं? Third year की बात कर रहे हैं। Are you clear about it? कौन से साल की बात कर रहे हैं? और देख के भी पता चलता है ना भाई, देखो 3 साल कुछ महीनों में हमारा पैसा recover हो गया है, ये देख के पता चल रहा है ना, 3 साल और कुछ महीनों में हमारा पैसा रिकवर हो गया है। बट अभी कुछ महीने निकालने हैं इसलिए ये सारी मेहनत करनी पड़ रही है, राइट? सो प्लस
इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हमने किया? कोई प्रॉब्लम आई बोलने में आपको इसमें? नहीं आई। ये फिर क्या करना है? माइनस। क्या लिखा है देखते हैं, पढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव सीफैट ऑफ द ईयर बिफोर सीफैट इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब हमें क्या चाहिए? सीसीफैट। किस साल का सीसीफैट चाहिए? उस साल का विच कम्स बिफोर द ईयर इन विच माई सीसीफैट इज ग्रेटर देन माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप लोग मेरे को बताओ ये नंबर। 7.5। इजी। सो दिस इज 7.5। नीचे क्या करना है? अभी देखो यहां पे प्लस तो 7.5 करना है, इतनी तो हम शॉर्टकट इस्तेमाल यूज करेंगे ही, ठीक है। यहां क्या है देखो, पढ़ो डिनोमिनेटर में सीसी फैट ऑफ द ईयर व्हेन सीसी फैट इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कौन सा नंबर लेना है? सीसी फैट ऑफ द ईयर इन विच सीसी फैट इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इन विच ईयर सीसी फैट इज ग्रेटर देन इनिशियल, सो क्या लेना है? उस साल का सीसी फैट क्या आ गया? 11। इजी वे फॉर्मूला आप समझ में आया। अभी एक सिंपल मैं बता रहा हूं यार, जिस साल मेरा क्यूमुलेटिव एक्सीड हो जाता है उस साल के पहले के साल को लो, उसमें क्या करना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट से क्यूमुलेटिव पहले वाला ऐड करना है, माइनस करना है, डिनोमिनेटर में 7.5 और 11 दोनों को ऐड करके मेरे को नंबर ऑफ मंथ्स निकाल लेना है। एब्सोल्युटली क्लियर? कितना आ रहा है आंसर? 3.135 ईयर्स। सिंपल है, अब समझ में आया ना? तो ये फॉर्मूला साथ में रखना, और ऐसे अब तो विजुअली हम लोग कर ही लेंगे, इस टेबल को बनाएंगे तो प्लस क्या करना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 7.5। काम खत्म। इजी। अच्छा वेट, लिटिल बिट ऑफ एरर समझाने में, ये प्लस नहीं करना है, ये मेरे को माइनस करना है। टेल मी द रिवाइज्ड आंसर। ये नीचे जो हमने प्लस लिखा है ना, ये प्लस को हटा के खाली माइनस कर दो, ठीक है। व्हाइल आई वाज एक्सप्लेनिंग आई मिस्ड ऑन दिस। ये जो प्लस हमने साइन दिया ना, दोनों जगह माइनस साइन ही होगा, यहां पे भी माइनस कर दो, डोंट डू प्लस। अभी कितना आंसर आ रहा है? 3.714 ईयर्स। राइट, दोनों जगह माइनस ही है, प्लस नहीं है, राइट। ऊपर भी माइनस करना है, नीचे भी माइनस करना है। एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस? एब्सोल्युटली समझ में आया? लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट इज आवर पेबैक रेसिप्रोकल, या जिसको हम लोग बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज पेबैक रेसिप्रोकल, राइट। सो दिस इज पे बैक रेसिप्रोकल। पे बैक रेसिप्रोकल, पे बैक का क्या फॉर्मूला था? जब यूनिफॉर्म था उस केस में क्या फॉर्मूला था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय सी फैट। ये क्या है उसका? रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? सी फैट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट।
ठीक है. यहां पे एक नोट लिख लो. Just one second. Payback reciprocal is considered to be an approximation of इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. जब भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस करेंगे देन विल से. खाली ये नोट लिख लो. पे बैक रेसिप्रोकल इज कंसिडर्ड एज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. और ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग IRR बोलते हैं. राइट. मतलब नॉर्मली वी यूज द टर्म एज IRR टू डिनोट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला. देखो नेक्स्ट फॉर्मूला भी जो है ना हमारा, इट इज मोरलेस पार्ट ऑफ आवर पे बैक पीरियड ओनली. मतलब इसको सेपरेट नहीं बोल सकेंगे, बट फॉर आवर कन्वीनियंस हम इसको डिवाइड कर ले रहे हैं इंटू पार्ट. अभी जो नेक्स्ट मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. अभी तक हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे? पे बैक पीरियड. राइट. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड. अभी देखो समझो, अभी जो हमने पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिखा था ना, आई डोंट कंसिडर इट टू बी टू अप्रोप्रिएट. वाई? बिकॉज वी वर नॉट कंपेयरिंग एप्पल्स टू एप्पल्स. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझो, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होना था वो कब होना था? एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. और हम क्यूमुलेट किसको कर रहे हैं? कैश फ्लोज, जो कि मेरे को ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव में जनरेट हो रहे हैं. तो इसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो इग्नोर ही कर दिया. राइट. हमने इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो इग्नोर ही कर दिया, बिकॉज मैंने ये 3.5 को कंसिडर तो किया मेरे वर्किंग में, ये 2 को भी किया, 2.5 को भी किया, 3 को भी किया, 3.5 को भी किया. बट ये तो सारी फ्यूचर वैल्यूज है ना. 3.5 मेरे को कब मिलना है? आफ्टर 4 ईयर्स. और 10 लाख रुपया कब देना है? आज. 10 लाख रुपया कब देना है? एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. और ये जो इन्फ्लोज है ये तो मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेंगे. तो इसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो इग्नोर कर दिया, बिकॉज 3.5 विच आई विल रिसीव आफ्टर 4 ईयर्स. अगर आज मैं उस 3.5 और 10 को कंपेयर करूं तो क्या वो कंपेरिजन सही है? नहीं, बिकॉज दैट 3.5 इज वर्थ लेस टूडे, बिकॉज 3.5 इज अ फ्यूचर वैल्यू विच आई विल रिसीव आफ्टर 4 ईयर्स. आज के डेट में उसको कंपेयर करना है तो डेफिनेटली उसका वैल्यू क्या होगा? कम, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो सिंस दिस 10 लाख इज अ प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज वी आर सपोज टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज टूडे, बट दिस 2, 2.5, 3, 3.5 ऑल आर फ्यूचर वैल्यूज जो मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में मिलने हैं. तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या सही डिसीजन बनेगा? नहीं बनेगा ना. तो इसलिए बेटर मेथड क्या है? टू यूज डिस्काउंटेड
कैश फ्लोज, मतलब इन सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आए एंड देन हम इसको 10 से कंपेयर करें, देन वी आर कंपेयरिंग एप्पल टू एप्पल, अदरवाइज इन दिस केस वी आर कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंजेस। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? बिकॉज अगर मैं 10 लाख रुपया आज लगाऊंगा, राइट, और सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये पूरा 10 लाख रुपया एक साल में रिकवर हो जाएगा, तब कोई फायदा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर एक साल के बाद 10 लाख ही मिलेगा तब तो मेरे को लॉस है ना, बिकॉज फिर मैंने कमाया क्या, फिर मैंने कमाया क्या, पे बैक हो गया, तो खाली क्या पे बैक के लिए काम कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं ना। सो दैट इज वाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना जरूरी है, दैट इज वाई वी यूज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट, अगर साथ में कराते तो फिर क्या पे बैक ही नहीं समझ में आता, तो पे बैक समझ में आ गया, अभी ये डिस्काउंटेड पे बैक इजिली समझ में आएगा। सो यहां पे लिखो क्या करना है मेरे को, स्टेप्स लिख लेते हैं पहले। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो तो किस पे होगा, जो इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट में, सो अदर ऑन द अदर साइड वी टॉकिंग अबाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसी फैट। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को क्या बोलेंगे, डीसी फैट, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू CFAT is equal to CFAT into PV factor for each year। अभी ये कॉम्पिटिशन हम सीखेंगे, हमें आता नहीं है, एज वी डू द सम इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। आई क्लियर अबाउट, वी आर डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो, मतलब वट आर वी डूइंग, वी आर ब्रिंगिंग द कैश फ्लो टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, इन दिस स्टेप वी आर ब्रिंगिंग द कैश फ्लो टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, हम कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर जा रहे हैं। अभी इसके बाद है ना, जो डिफरेंशियल वाले में स्टेप्स किया था ना, वो सेम स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है, कंप्यूट द क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो
एंड देन जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया वो, मतलब अगर सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलू ना तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था यहां पे क्या यूज किया था, सी फैट। सेम तरीके से करना है, ये कॉलम को रिप्लेस कर देना है विथ डी सी फैट। समझ में आया, सेम मेथड, एवरीथिंग सेम। ये वाला जो हमारा डेंजरस फॉर्मूला है वो भी सेम, बस खाली क्या करना है, इस कॉलम को सी फैट की जगह डी सी फैट लिख देना है एंड देन वी हैव टू डू द कॉम्पिटिशन इन द एब्सोल्यूट सेम मैनर। एब्सोल्यूटली क्लियर? सो स्टेप फोर, determine the year in which our DC PAT exceeds the initial investment. Absolutely clear? Determine the year in which our DC PAT exceeds the initial investment. Absolutely clear? 100%, right? And then कंप्यूट पे बैक पीरियड, और ये पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा, एब्सोल्यूटली इन द सेम वे जो हमने डिफरेंशियल सी फैट वाला यूज किया था, सेम तरीके से मेरे को कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूटली क्लियर? अब डिस्काउंटेड सी फैट कैसे करना है, दैट विल डू अ लिटल लेटर। अभी फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग डील करेंगे, ठीक है? देन वी गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नंबर फाइव, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, राइट? अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है? सो accounting or average rate of return, right? We'll call this as AAR. Sorry, ARR likh do, it will be better. ARR, average rate of return, yeah, accounting rate of return, right? We'll call this as ARR. ARR is equal to average PAT CFAT
मतलब जो सम में दिया है एवरेज लेना है, या तो पैट का एवरेज लेना है, या तो सी फैट का एवरेज लेना है, या तो डिस्काउंटेड सी फैट का एवरेज लेना है, जो इन्फॉर्मेशन सम में दी गई है उसको हम यूज करेंगे। डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, सिंपल। क्या करना है, एवरेज निकालना है पैट का, व्हाट इज पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सी फैट, यू नो कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिस्काउंटेड सी फैट इनटू द पीवी फैक्टर ऑफ ईच ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अभी देखो ये एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एवरेज पैट सी फैट तो निकाल लोगे ना, समेशन ऑफ पैट और समेशन ऑफ सी फैट और समेशन ऑफ डी सी फैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये तो आपको आता है। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे हम, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टू, राइट। क्या करना है हम लोगों को, वी नीड टू एड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द सैल्वेज वैल्यू एंड वी नीड टू डिवाइडेड बाय टू इज नोन एज एवरेज इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस, सिंपल है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, सबने कॉपी कर लिया ना ये, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखो नेट प्रेजेंट वैल्यू और इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब किसी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन होता है तब इस मेथड को लोग देखते ही देखते हैं, ठीक है। क्या नाम है इस मेथड का, नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। It is commonly known as NPV. It is commonly known as NPV. Or it is also known as discounted cash flow technique. Normally this discounted cash outflow will be our initial investment, right? Discounted cash outflow will be our initial
इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो देखो एक बात, ये बहुत सिंपल मेथड है. क्यों? बिकॉज डिस्काउंटेड कैश इन्फ्लोज तो हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में भी सीखेंगे, तो वो सेम जो हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेंगे वो यहाँ पे भी यूज हो जाएगा. तो एक जगह सीखेंगे, दो जगह यूज करेंगे, राइट? एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी अ नंबर विच विल ऑलरेडी बी गिवन इन दी क्वेश्चन. एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? और यहाँ पे इवैल्यूएशन जो डिसीजन हम लोगों को लेना है वो कौन से बेसिस पे लेंगे? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो. मतलब व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव तभी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ एनपीबी इज पॉजिटिव और द एनपीबी इज ग्रेटर देन जीरो. एब्सोल्युटली क्लियर. नेक्स्ट मेथड विच वी विल गो टू, उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, राइट? या तो उसको हम बोलते हैं डिजायरेबिलिटी फैक्टर, और इट इज ऑल्सो नोन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. नॉर्मली इट इज नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और ए डिजायरेबिलिटी इंडेक्स. तो नंबर 7 लिखो तुम लोग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. नंबर 6 लिख लिया ना सबने, एवरीबडी डन विथ एनपीवी. नंबर 7 प्लीज सारे नाम लिखना. एग्जाम में डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकालने का बोलेंगे तो मन में बोलोगे जासर ने ये करवाया ही नहीं, खाली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करवाया. तो राइट, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ ऑल दी नेम्स. ठीक है, देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है ना, इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑब्टेंड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ फॉर एवरी रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट. सो बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि पर रूपी दैट वी इन्वेस्टेड इन टू द बिजनेस वॉट इज द रिटर्न दैट वी हैव गॉट, राइट? मतलब ये ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में हमारा इन्वेस्टमेंट आएगा बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट पर रूपी रिटर्न, राइट? तो देखो सिंपल इसमें किस तरह से करना है. दिस विल बी टोटल इन रिटर्न विच वी गॉट फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव मेड. मतलब मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट के जितने भी कैश इनफ्लोज है उसको डिस्काउंट करूंगा और उसका टोटल निकालूंगा. ठीक है, मतलब समझ लो टोटल ऑफ माय डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस, मतलब ओवर द पीरियड मेरे को जितना भी कैश इनफ्लो हुआ समझो उसका टोटल है 12 लाख. कितना है? 12 लाख. मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख का. मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 10 लाख. 10 लाख इन्वेस्ट करके मेरे को ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कितना मिला? 12 लाख. कितना मिला? 12 लाख. तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आंसर आया? 1.2. तो एक रुपए का 1 रुपया 20 पैसा बन गया, राइट? सो 10 लाख का 12 लाख बन गया. तो पर रुपी हमने कितना कमाया? 0.2 इज द इंक्रीमेंट दैट वी हैव अर्न. आई क्लियर अबाउट दिस? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बताएगा कि पर रुपी जो हमने इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में हमें कितना रिटर्न
मिला. बहुत सिंपल है, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट विल गिव अस अ पर रुपी रिटर्न या पर रुपी इंडेक्स. सो इफ आई से माय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 1.2, राइट, तो एज फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप लोग मेरे को क्या बोलोगे, ये प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न मिल रहा है? ट्वेंटी पैसा पर रुपी. परसेंटेज टर्म्स में बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. 20%. अगर एक रुपया 20 पैसा बन जा रहा है तो कितना रिटर्न मिल रहा है? 20%. आई क्लियर अबाउट इट? तो प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत बार लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में भी बात करेंगे दैट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 1.2. सिंपल बोल दिया. इसका मतलब क्या, एक रुपया 20 पैसा बन जाएगा तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा? 20%. अगर एक रुपए का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 20 पैसा, राइट. एक रुपए का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 20 पैसा. तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो गया? 1.2. मतलब ये सिंपल टेक्निक क्या बोलता है कि एक रुपया कितना बन जाएगा एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ, दैट इज माय प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. एब्सोल्युटली क्लियर? सो इफ आई से दैट द प्रोजेक्ट हैज अ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 1.3, उसका मतलब क्या, कितना अर्न कर रहे हो उस प्रोजेक्ट पे? 30%. मतलब 10 लाख लगाओगे तो 13 लाख रुपया मिलेगा. इफ आई से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 0.80, 20% लॉस. अगर एक रुपया लगाओगे तो प्रोजेक्ट के एंड में 80 पैसा घर में आएगा. मतलब 10 लाख रुपया प्रोजेक्ट में लगाओगे तो प्रोजेक्ट के एंड में 8 लाख आपके घर में आएगा. ऐसा प्रोजेक्ट करोगे क्या? नहीं. सो ओनली दोज प्रोजेक्ट्स विच हैज अ पीआई ऑफ मोर देन 1 शुड बी एक्सेप्टेड. आई क्लियर अबाउट इट? ओनली दोज प्रोजेक्ट विच इज पीआई ऑफ मोर देन 1 शुड बी एक्सेप्टेड. बिकॉज अगर किसी प्रोजेक्ट का पीआई है 0.9 तो क्या होगा? 10% का लॉस होने वाला है. 10 लाख लगाओगे तो 9 लाख घर में वापस लेकर आओगे, ठीक है. सो ग्रेटर द पीआई, ग्रेटर इज द प्रॉफिटेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, इसका एक लिख लो. इट इज गुड टू नो. मे बी दे लास्ट टू डेफिनेशन ऑफ पीआई, राइट. सो इट सेज दैट पीआई रिप्रेजेंट, आई एम नॉट राइटिंग, आप लोग लिखो. पीआई रिप्रेजेंट, आजकल लिखना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है. पीआई रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑब्टेन्ड, पीआई रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ. PI represents the amount obtained at the end of the project life. Every rupee invested in the project. Every rupee invested in the project. Right? Greater the PI, greater is the profitability of the project. Greater is the PI, greater is the profitability of the project. Right? Greater is the PI, greater is the profitability of the project. ठीक है? Except project. Except ACCEPT, except project only if, except project only if PI is greater than 1, right? Except project only if PI is greater than 1. Absolutely clear? आप project तभी accept करोगे when your PI is greater than 1. अभी पीआई कैसे कैलकुलेट करेंगे?
PI is equal to discounted cash inflows, liko rather. Discounted cash inflows divided by discounted cash outflows. और देखो और एक relation में बताता हूँ. हम लोगों ने NPV में भी discounted cash inflows और discounted cash outflows के साथ काम किया. PI में भी हम लोगों ने discounted cash inflows and discounted cash outflows से काम किया. अभी देखो एक relationship. दे मैं ask you that what is the relationship between NPV and PI. एक छोटा सा practical example बता रहा हूँ, फिर लिखा दूँगा. NPV is discounted cash inflows minus discounted cash outflows. So समझो inflow है 12, outflow है 10. NPV कितना? 2. क्या बोलेंगे? Positive NPV. 2 मतलब पॉजिटिव NPV. इसका अगर हम लोग PI कैलकुलेट करेंगे तो इनफ्लोज बाय आउटफ्लोज कितना आया? 1.2. द PI इज ग्रेटर देन 1. वापस इनफ्लोज 8, आउटफ्लोज 10, नेगेटिव टू, नेगेटिव एनपीवी. ये प्रोजेक्ट करोगे क्या? नहीं. ये प्रोजेक्ट करोगे क्या? नहीं. बिकॉज आप लगा रहे हो 10 रुपया, वापस कितना आ रहा है? 8 रुपया. इसका पीआई निकालो. 8.8. ठीक है. और एक चीज, इनफ्लो भी 10, आउटफ्लो भी 10. NPV कितना? 0. PI निकाले. Can somebody summarize the relationship? सब बता दिया मैंने जितना बताना था. Can somebody summarize the relationship? Very good. If NPV is positive, PI will be greater than 1. Next. If NPV is negative, PI will be less than 1. If NPV is 0, PI will be equal to 1. हो गया relationship established. तो लिख लो भाई, अब वेट किसकी कर रहे हो. मैं नहीं लिखूंगा, मैंने जो लिखना था लिख दिया. सो बेसिकली व्हेन एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, द पीआई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, राइट. सो देखो तीन चीज सेट हो गई यहां पे. फर्स्ट, व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव, व्हेन एनपीवी, अगर किसी को ये एग्जांपल भी लिखना है तो लिख लो. बिकॉज ये एग्जाम्पल, अगर कुछ ज्ञान याद भी नहीं है तो भी ये एग्जाम्पल को करके वो ज्ञान आप लोग लिख सकते हो सेंटेंस में, राइट. सो ये एग्जाम्पल लिख के वी कैन से व्हेन एनपीवी इज पॉजिटिव, पीआई इज ग्रेटर देन 1. व्हेन एनपीवी इज नेगेटिव, पीआई इज लेस देन 1, राइट. एंड व्हेन एनपीवी इज 0,
pi is equal to 1. ठीक है, तो इसका summarization क्या निकला, when NPV is greater than 1, PY, sorry, greater than NPV greater than 1 नहीं लिखेंगे, when NPV is positive, PI is greater than 1, NPV is negative, PI is less than 1, NPV is 0, PI is equal to 1. Simple relation. तो अगर इस तरह का भी theory question आता है, तो hope you will be able to tackle it properly. ठीक है, let's move on to the next method. सर हो गया आज का, हाँ ठीक है, let's keep it till here. There are two, see practically there are two more methods left, right? एक method है जिसका नाम है internal rate of return IRR, जो मैंने बोला था समझाऊंगा बाद में. दूसरा है modified IRR. तो technically there is one method which has been broken up into two segments, IRR and modified IRR. तो let's do something. Next class में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो अभी तक methods किए हैं उसके ऊपर सारे सम्स कंप्लीट कर देंगे, फिर आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर करेंगे और उसके सम्स करेंगे. प्लीज रिवाइज करके आना ये सारे सम्स, राइट? प्लीज रिवाइज करके आना ये सारे सम्स, सम्स में मतलब फॉर्मूला, सो दैट वी आर एबल टू यूज इट इफेक्टिवली.